और धिक्कार है उन लोगों को जो सुख में हंसते हैं। बात दोनों ही पे तय होती है ना। धन्य है उनको जो दुख में हंसते हैं और धिक्कार है उनको जो सुख में हंसते हैं। अरे सुख में हंसने की क्या बात है? तुम्हारे चार चार पुत्र कहीं चारों मर गए, फिर क्या होगा उस सुख का? और कहीं चौथे पन में जब कृपा प्रभु की होती है, संयोग स्वयं जुड़ जाते हैं। देखना, आज आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण थे वो मरने के लिए तैयार हो गए, रास्ते में चले जा रहे हैं। भगवान ने विचार किया, ये इतना अनन्य भक्त यदि मर जाएगा तो मेरा भजन कीर्तन कौन करेगा? भगवान ने एक अपने अनुयायी, अपने एक भक्त, अपने एक संत को भेजा मार्ग में। श्री राम, जय जय राम। संत के चरणों में जैसे ही प्रणाम किया, का चिंता वलेष्यति, हे तुम्हें कौन सा दुख है? हे ब्राह्मण देवता, तुम्हारे दुख का क्या कारण है? आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने कहा, हे महात्मन, आप तो ईश्वर के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, आपसे क्या छिपा है? आप क्या नहीं जानते हैं? क्योंकि आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण थे उनका ये संकल्प था, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। वो सबको भगवान का ही स्वरूप मानते थे, तो उन्होंने ये विचार किया, कहीं ये भगवान ही आ गए हैं तो ये मेरी बात को समझ लेंगे। आप तो स्वयं इस बात को जानते हैं। संत ने कहा, हाँ तुम्हें पुत्र का दुख है, ए भैया ये चाय बाहर ले जाओ, बाहर ले जाओ। जी हाँ, पीने से उठ के होता पी। ये दुख जो है वो तुम्हें पुत्र का दुख है और पुत्र वियोग में तुम मरने जा रहे हो। लेकिन हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको एक बात और कहता हूं, तुम पुत्र वियोग में नहीं मर रहे हो, तुम्हें पत्नी का कलह है, तुम्हें पत्नी का वियोग है। तुम इस चीज को जानते हो, कहीं तुम्हारा पुत्र हो गया और कहीं पुत्र ने तुम्हें ठुकरा दिया, घर से निकाल दिया, फिर क्या होगा? आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण थे वो समझ गए, निश्चित ही ये ईश्वर है। जब मेरे घर की बात इन्होंने बता दी कि पत्नी हमें खाए जात, कैसे सही है? धन है ऐसे परिवार को, सेट कह रहे हैं सोते तो नहीं है सिस्टम, है ना? जब संत जी ने आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के घर की बात बता दी कि तुम्हारी पत्नी तुमसे लड़ती है और तुम उसी की वजह से मरने जा रहे हो, ब्राह्मण ने चरणों में प्रणाम किया, प्रभु सत्य है, अब इसका उपाय क्या है? आपके कोई संतान नहीं है, इसकी वजह से उसकी बुद्धि टेढ़ी है, बच्चे होते तो धुंधली उसी में बिती रहती, तेल लगाती, काजल लगाती, सोजा बारे बीर, सोजा बारे बीर, बारे की बिलैया ले गई जमना के थी, सोजा बारे। आग तो नहीं क्या, लेकिन गावत है। कैसे गाओगे आगे सुनाओ? हम तो जो गाँव लगत दूध दारो, कैसो कैसा गाते आगे गाओ? मतलब सीधी सी ये बात है कि धुंधली इसमें बिती रहती तो उसकी बुद्धि अच्छा काम करती, तेल लगाती, बच्चे को का मालिश करती, काजल डिठोला लगाती, है ना? जन्माष्टमी पर भगवान को कन्हैया बनाती, जब कन्हैया के दर्शन करते तो बुद्धि की धुंधली की बुद्धि सुधर जाती, है ना? सीधा सा ये सिद्धांत। सोजा बारे बीर, सोजा बारे बीर, सोजा
सोजा बारे नीर बारे की बिनैया ले गई जमुना के तीर सोजा बारे नीर सोजा बारे जो पत्नी ग्रह कार्य में लगी रहती है तो उसका मन इधर उधर नहीं जाता है। वैसे नारी का एक नाम औरत कहा जाता है। अब नहीं है पता हुआ का औरत मोबाइल चाने यदि एप्पल को तो चाने चाहे सेठ जी कहना बिक जाए मोबाइल एप्पल को चाना क्यों रजनी रजनी नहीं रजनी की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा होता है ना पत्नी रूठ गई मोबाइल चाने तो चाने चाहे कुछ हो जाए लक्ष्मी की शैंपू चाने तो चाने फेसबुक लक्ष्मी ऑन वन कौन सी आती है वन ऑन वन फेस पाउडर मियोन हाँ मियोन का फेस पाउडर चाउने चाहे कुछ हो जाए आउटलैंड लाइनर लकनी कहीं चाहिए यदि कहीं बोरो प्लस को ले आए तो कहीं और ठोर तो धन है ऐसी धुंधली दे अरे संतन के संग लाग रे अरे कथा थोड़ा आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण थे वो समझ गए ऐसे चरणों में हम प्रणाम करते हैं भगवान की कृपा से सब कुछ हो सकता है। उन्होंने आत्मदेव नाम के ब्राह्मण का दुख समझा और जो झोली टांगे हुए थे थैला टांगे हुए थे बैग टांगे हुए थे उसमें से एक फल निकाला। जैसे ही फल निकाला आत्मदेव नाम के ब्राह्मण को दिया और कहा ये पत्नी को खिला देना। तो ये पत्नी को खिलाएंगे तो क्या होगा इससे संतान हो जाएगी। आत्मदेव ब्राह्मण बोले पत्नी का खाने जो फल अब हमसे पूछो कैसे खा रही बा हमें तीन लोग 14 शब्द दीपनो खंड को परिक्रमा करने आए और 33 कोटि देवतन का मनाने आए अगर कृपा हो जाए तो खा ले नहीं तो बहुत मुश्किल है महाराज ऐसा कोई उपाय बताओ कि बिना फल के संतान हो जाए। संत जी कहते हैं कि महात्मन ऐसा तो कोई प्रयोग ही नहीं है ये फल खाना पड़ेगा। इधर आत्मदेव मरने के लिए तैयार हो गए धुंधली को कोई चिंता नहीं हेलो कहा हम तो मरवे जा रहे हैं। अच्छा 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 कब आओ लौट के देखना धुंधली ने फोन लगाया पतिदेव को हेलो कहो आत्मदेव कह रहे मरवे जा रहे पत्नी कह रही तो कब आओ लौट के दूसरे जन्म में ठीक है जाओ जाओ। इधर पत्नी ने बहन को फोन लगाया धुंधली की एक बहन थी वो भी नंबर वन की धुंधली उसको बुला लिया मेरे पति तो मरने चले गए बताओ मन को धन करें काकन ने बोला। इतने में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण उस फल को लेकर महल में प्रवेश किए जैसे ही देखा तो दोनों चकित रह गए। अच्छा जब मैंने फोन किया तो यहीं बगल से बात कर रहे थे का इतनी जल्दी आ गए नहीं प्रभु की कृपा हुई है। और सुनो साली से कह रहे हैं आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ये फल धुंधली को दे देना और इस फल से संतान की प्राप्ति होगी। अब उसका दिमाग खराब बोले ना जाने किस बाबा ने इसको फल दे दिया। गई और उस धुंधली को समझाने लगी देखो बहन यदि तुम फल खाओगी तो गर्भवती हो जाओगी और गर्भवती हो जाओगी और कहीं गांव में आग लग गया तो भग नहीं पाओगी इसलिए ये फल तुम गाय को खिला दो नहीं तो तुम उस आग में जल के मर जाओगी। धुंधली ने कहा बात तो सही है यदि प्रैक्टिकल इस फल का करना है तो गाय को खिला दो क्योंकि आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण थे उनके घर में जो गाय थी वो बछड़ा नहीं देते थे यहाँ तक कि वो तुलसी लगाते थे वो सूख जाती थी। और तो ठीक है जिस मार्ग से वो निकलते थे उस मार्ग में महिलाएं और लोग दरवाजे बंद कर लेते थे कि इस बाज का मुझे मुंह नहीं देखना है। जब ऐसा होने लग जाए तो मरने के अलावा और दूसरा प्रयोजन कोई होगा लेकिन जब कृपा प्रभु की होती है संयोग स्वयं जुड़ जाते हैं।
संयोग स्वयं जुड़ जाते हैं, संयोग स्वयं जुड़ जाते हैं, संयोग स्वयं जुड़ जाते हैं। जब कृपा प्रभु की होती है संयोग स्वयं जुड़ जाते हैं, संयोग स्वयं जुड़ जाते हैं, संयोग स्वयं जुड़ जाते हैं। इधर पहली कृपा किस पर हुई? महाराज दशरथ पर कृपा हुई, महाराज दशरथ पर। राजा चारों को खिलाते हैं, राजा चारों को खिलाते हैं, राजा चारों को खिलाते हैं। जब कृपा प्रभु की होती है संयोग स्वयं जुड़ जाते हैं, जब कृपा प्रभु की होती है संयोग स्वयं जुड़ जाते हैं, जब कृपा प्रभु की होती है संयोग स्वयं जुड़ जाते हैं, जब कृपा प्रभु की होती है, जब कृपा प्रभु की होती है संयोग स्वयं जुड़ जाते हैं, संयोग स्वयं जुड़ जाते हैं, संयोग स्वयं जुड़ जाते हैं। इधर महाराज उत्तानपाद के कोई संतान नहीं थी, और जब कृपा हुई तो महाराज उत्तानपाद के भी ध्रुव और उत्तम प्रकट हुए। जब कृपा महाराज उत्तानपाद पर हुई वो दोनों को खिलाते हैं, वो भी दोनों को खिलाते हैं, वो भी दोनों को खिलाते हैं। और एक प्रेरणा हुई, जब कृपा फूटेश्वर की होती है संयोग स्वयं जुड़ जाते हैं, संयोग स्वयं जुड़ जाते हैं, संयोग स्वयं जुड़ जाते हैं। कृपा पर, और क्या नाम इसका, जब कृपा हुई रजनी देवेंद्र पर तब देव पुत्र बन जाते हैं, तब देव पुत्र बन जाते हैं, देव पुत्र बन जाते हैं। इसी प्रकार आत्मदेव के ऊपर कृपा होती है, जब कृपा प्रभु की होती है संयोग स्वयं जुड़ जाते हैं, संयोग स्वयं जुड़ जाते हैं। और एक पुत्र की बात नहीं आत्मदेव दो दो को खिलाते हैं। महाराज गोकर्ण हुए और धुंधली का जो पुत्र नाम रखा गया था वो धुंधकारी पुत्र हुए। जब कृपा प्रभु की होती है संयोग स्वयं जुड़ जाते हैं, और कृपा हुई उल्लन ग्राम पर सोनू कथा सुनाते हैं, जब कृपा प्रभु की होती है संयोग स्वयं जुड़ जाते हैं। बड़ा अवसर है, बड़ा शुभ अवसर। ये सबको पता है देवेंद्र और रजनी के यहाँ पर पुत्र की प्राप्ति फूटेश्वर महादेव की कृपा, हनुमान जी की कृपा से हुई है। आज उस खुशी में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। तो ऐसे प्रतापी प्रताप के लाल, ऐसे प्रतापी पिता के लाल चार चार, और बेहाल पड़ी तन हो की काया है। वावे रे विधाता विचित्र तोरी माया है। तो जब प्रभु की कृपा होती है तो कुछ भी हो सकता है। मरा व्यक्ति जीवित होता है प्रभु कृपा से तो और की तो चर्चा छोड़ा सा। आत्मदेव नाम ने वो फल दिया, पत्नी ने समझा और उसकी बहन ने गाय को खिला दिया। यदि प्रैक्टिकल फल का करना है गाय को खिला, यदि फल में क्षमता होगी गाय की संतान हो जाएगी। और वो फल था, एक जो फल था वो फल गाय को खिलाया और पत्नी को समझा तो लीला करना। एक कंबल लिया, कंबल उस कंबल के 9 टुकड़े किए और उसने क्या लीला करी, उस कंबल को पहला टुकड़ा गर्भ में बांध दिया,
एक महीना गुजरा, दूसरा महीना गुजरा, तीसरा महीना गुजरा, ऐसे कंबल की परत उसने पेट पे लगाना प्रारंभ किया। ऐसे 9 महीने गुजरे, इधर प्रभु की कृपा से उसकी बहन भी गर्भवती थी। उसने कहा, बहन तू क्यों परेशान होती है, मेरे संतान होगी और तू मेरे घर पे आ जाना, डिलीवरी के समय पे मैं कह दूंगा ये संतान तुम्हारी ही है। कहा, जीजा जी आप मेरी एक बात सुनो। आत्मदेव बोले, क्या है, सुनाओ। और जब कोई जीजा जी कह दे तो कितना प्रसन्नता होती है। कहो जीजा जी, क्या है महाराज। जैसे हम महाराज से कह दे, अब महाराज से तो भी कोई ना कोई कहता होगा महाराज जी से, कहे जीजा जी, जीजी कैसी हैं। और कहूं जीजी डिस्टर्ब है तो फिर कहने में तो ठीक ही गए, है ना, कहीं जीजी डिस्टर्ब है तो भी ठीक ही गए, तो वो समझ जाती है कि कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब है। इसी प्रकार आत्मदेव नाम के ब्राह्मण को बताया गया कि आपकी पत्नी जो गर्भवती है ना, अब उसका गर्भ का समय आ गया, मैं अपने घर पर ले जाती हूँ, यहाँ पर कोई है नहीं, इसका पूरा गर्भ मैं अपनी जिम्मेदारी जवाबदारी से पूर्ण करा दूंगी। अब आत्मदेव नाम के ब्राह्मण सीधे साधे, अब पत्नी ने क्या लीला करी, उससे चलते नहीं बनता, और 9 महीने में उस पेट को इतना बड़ा कंबल बांध के कर दिया, चलने लगी। आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण थे उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। लेकिन एक बात बताएं, जिसके गर्भ में संतान होनी होती है और जिसके घर में संतान होती है उसको स्वप्न में दिखने लगता है, उसको स्वप्न में दिखने लगता है। लेकिन आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण थे, कहा आज 9वां महीना पूर्ण हुआ, मुझे आज तक स्वप्न नहीं आया, ये कैसा गर्भ है। अब वो तो सत्यवक्ता जितेंद्र ही थे, सत्य भाषण करते थे, वो जानते थे उस बात को, कहीं ऐसा नहीं मेरे साथ छल कर रही हो। समय आया, वो फल गाय को खिलाया, इधर उसकी बहन के गर्भ से बच्चा हुआ, इधर गाय के एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका पूरा शरीर मनुष्य का था लेकिन कान उसके गौ के समान थे। इधर आत्मदेव के पास बात आई कि तुम्हारी पत्नी ने भी बच्चे को जन्म दिया। आत्मदेव प्रसन्न हो गए, उनके आंगन में जो तुलसी का पेड़ था वो हरा भरा होने लगा। जिस मार्ग से आत्मदेव जाने लगे उस मार्ग में जय जयकार होने लगी। जब कृपा प्रभु की होती है संयोग स्वयं जुड़ जाते हैं। ऐसी कृपा प्रभु की हुई है, आज दोनों पुत्रों को आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने गोदी में रखा। ब्राह्मण को बुलाने की चर्चा छोड़ो, नामकरण स्वयं किया। जिसके कान गौ के समान है ऐसे पुत्र का नाम मैं गौकर्ण रखता हूं। और आत्मदेव नाम के ब्राह्मण दूसरा नाम कहने ही वाले थे, इतने में पत्नी ने कहा, साइलेंट, शांत रहो, बिल्कुल शांत, थोड़ा सा बिल्कुल शांत हो जाओ। आत्मदेव डर गए, बोलो क्या बात है। पत्नी बोली, सुनो, इसका नाम तो गौकर्ण रख लिया, अब इसका नाम मैं अपने नाम से मिलाऊंगी, इसका नाम रहेगा, क्या रखेंगे इसका नाम, श्री कृष्ण, श्री राम, पहला ध्रुव, लव कुश, लक्ष्मण, भरत, अच्छा अच्छा, इसका नाम रहेगा धुंधकारी, यथा नाम तथा गुण, जैसा जिसका नाम होगा वैसे उसके गुण होंगे। अब ये बताओ, जिसकी मां धुंधली, पति को नहाने के लिए वस्त्र देव मूड से मारे आए, तो बताओ कितनी अच्छी होगी, फिर उसकी संतान के वैसे ही लक्षण। इधर समय आया, जो बहन के गर्भ से हुआ उस पुत्र का नाम धुंधकारी रखा गया, और जो गाय के गर्भ से हुआ उसका नाम गौकर्ण रखा हुआ। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, ऐसे आगे कृपा होती है, भगवान की कृपा से गौकर्ण प्रकांड विद्वान हुआ, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 प्राण को मारने वाला धुंधकारी बहुत बड़ा दुष्ट हुआ। भागवत जी में तो ये भी कहा गया है, जिस मार्ग से धुंधकारी निकले और छोटे छोटे बच्चे खेलें, उन बच्चों को उठाए और फाड़ के फेंक दे, बच्चों को फाड़ के फेंक देता था।
कोई महिला कुएं में पानी भरने के लिए गई हो, पीछे से उसको लात का प्रहार किए, महिला कुआं में गिर जाए, उसका पति उसके घर पर शिकायत लेकर आ जाए। यदि कहीं पति पत्नी की जोड़ी जा रही हो तो दोनों के मूड पकड़े हो, एक दूसरे में मार दे, दो ही मर जाए। ऐसे धुंधकारी के काम बढ़ गए। जब अन्याय अत्याचार बढ़ता है तो भगवान प्रकट होते हैं, है ना, भगवान प्रकट होते हैं। ऐसा धुंधकारी का प्रकोप बढ़ता गया, छल कपट बढ़ता गया, अब पृथ्वी पर सहन नहीं हुआ, अंत में वो वैश्यागामी हो गया, पर स्त्रियों के साथ रहने लगा, निवास करने लगा, यहां तक कि अपने बाप को मताई को भी मार डाला और उस घर में उन वैश्याओं को रख लिया। वैसे भागवत जी ये कहती है कि आत्मदेव का प्राणांत हो गया था, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। बाकी मेरा अनुभव किंचित मात्र ये बोलता है, जिसके घर में संतान की प्राप्ति हो गई तो उसे तो खुशी बहुत चाहिए, कैसे मर गए, लेकिन वो प्रभु की कृपा है। दोनों माता पिता धुंधली भी मर गई और आत्मदेव भी चले गए। अब धुंधकारी का राज छा गया। इधर गोकर्ण बेसास पढ़ने के लिए चला गया, वैश्याओं को घर में रखा, चोरी डकैती करके धन लाए और वैश्याओं को खूब ऐश कराए। वैश्याओं ने विचार किया कि आखिर इनसे पूछो पति देव से कि ये पैसा कैसे कमा के लाता है, मैंने तो इतने बड़ी बड़ी कंपनियां जिसकी हैं वो इतना पैसा नहीं लाता है, जिनके बड़े बड़े मॉल हैं उनके पास इतना पैसा नहीं आता है। अच्छा स्वामी ये बताओ आप पैसा कहाँ से लाते हो। धुंधकारी बोला अच्छा तुम सत्य पूछती हो तो मैं सही बताऊं, ये पैसा मैं चोरी करके लाता हूँ, मैं संत जनों को मार के लाता हूँ, गृहस्थियों के घर में डाके डालता हूँ। अच्छा तो आप बहुत अच्छा काम करते हो। पत्नी ने उसके मुंह पर उसकी बढ़ाई कर दी और रात्रि में विचार किया, तीनों चारों वैश्याओं ने, ऐसा करो इस दुष्ट को मार दो नहीं तो कई अपन चले जाएंगे जेल बंधन में, इसको मारो। एक समय की बात है, रात्रि का समय हुआ, वैश्याएं जुड़ी, जिस पलंग पर जिस खटिया पर वो सो रहा था उस खटिया पर रेशम की रस्सी से उसको बांधा गया और आग के अंगार उसके मुंह में डाले गए। इस प्रकार उस धुंधकारी की हत्या हुई। और शास्त्र कहता है मारना और तारना ये भगवान का काम है, भगवान यदि मारते हैं तो भी मुक्त होता है और दुष्ट मारते हैं तो प्रेत बनता है। जिसे वैश्याओं ने मारा होगा वो भक्त बनेगा क्या, वो संत बनेगा क्या, वो सज्जन होगा क्या, वो तो महान प्रेत योनि में प्रकट हो जाएगा। धुंधकारी बहुत बड़ा प्रेत हुआ। इधर गांव वासियों को डराने धमकाने लगा। एक समय की बात है, जब गोकर्ण अपना वेद शास्त्र पढ़ के आए, रात्रि का विश्राम उन्होंने अपने घर में किया, देखा तो वो धुंधकारी जो प्रेत बना हुआ था वो उनको रात्रि में डराने लगा, धमकाने लगा, उनके साथ छल करने लगा। ऐसा 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे 7 दिन व्यतीत हुए। गोकर्ण को रात्रि में नींद नहीं आई और रात्रि में जिसे प्रेत परेशान करे वो कैसे सोइए बताओ, वो सोएगा कैसे, कैसे जैसे तुम अच्छे सूते हो बेड पे और कोनो वादो कर दे तो सो जाओ, बेड का कोई यदि लौटा दे तो आंख लगेगी का सोएंगे। अरे जैसे आप सोते जा रहे हो कोई पैर पकड़ के खींच दे आप सोओगे, आप सोते जा रहे हो कोई एक रापट झल दे आप सोएंगे, कोई सोता जा रहा हो कान में कोई सूजा गुच जाए सोएंगे, आप सोते जा रहे हो नाक में कोई जोजा रस्सी डाल जाए सोएंगे, जोजा का बुंदेलखंड में रस्सी तंतन व बुंदेलखंडियां सुवाई जा, बस जोजा यदि ठूस गो तुम्हारे मुंह में तो सोओगे, और कहीं कई जने मुंह बा के सो तो कहूं बजरू पेड़ गो मुंह में से सोओगे, ये प्रेत के काम है। गोकर्ण रात्रि में विश्राम किया और प्रेत आया, उसने खटिया उल्टी कर दी, गोकर्ण गिर गया। ये कौन है, गोकर्ण ने मंत्र अभिमंत्रित जल किया और जैसे ही छोड़ा प्रेत ने कहा हे गोकर्ण मैं तुम्हारा छोटा भाई, मेरा नाम धुंधकारी, हम और आप दोनों साथ हुए थे, मेरी गलत संगत से मुझे प्रेत योनि में आना पड़ा, आप मेरे मुक्ति का कोई उपाय ढूंढिए।
इधर गोकर्ण भगवान ने भगवान सूर से प्रार्थना करी। भगवान सूर ने उनको उपाय बताया कि आप साप्ताहिक भागवत उस प्रेत के लिए कराएं तब प्रेत मुक्त हो जाएगा। ऐसे गोकर्ण ने भगवान सूर से उपाय लिया और जैसे ही गोकर्ण उपाय लिया भगवान सूर से गोकर्ण ने पूछा, प्रभु ये बताओ इसके लिए क्या करना पड़ेगा। भगवान सूर्य कहते हैं एक सप्त ग्रंथि वाला हरा बांस हो उसमें उस प्रेत को स्थापित करना पड़ेगा। जैसे ही कथा प्रारंभ होगी पहले दिन की कथा में वो पहला स्तंभ फट जाएगा, वो स्तंभ फट जाएगा। दूसरे दिन की कथा में दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सातवें दिन की कथा पूर्ण होते ही इस खंबा, वो बांस का खंबा फटेगा और उससे दिव्य देह धारण करके वो भगवान के धाम को जाने लगेंगे। गोकर्ण आए और इधर गोकर्ण ने उस कथा का प्रयोजन किया, प्रेत को बिठाया गया, कथा का प्रादुर्भाव हुआ, कथा प्रारंभ हुई। पहले दिन की कथा में पहली ग्रंथि टूटी, दूसरे दिन की कथा में दूसरी ग्रंथि, तीसरी ऐसी ग्रंथि टूटती गई, सातवें दिन की कथा में उस बांस में से एक दिव्य देह धारण करके जो प्रेत योनि में धुंधकारी था वो आया। भगवान के पार्षद उसको अपने विमान में बिठा कर ले जाने लगे। विचार आया, ऋषियों ने सूत जी से पूछा ये कैसे हो गया, उस कथा में तो काफी लोग होंगे उनके लिए विमान नहीं आया। आया होगा लेकिन उनमें किसी ने भी कथा को ईमानदारी से नहीं सुना है, अपनी मुक्ति के लिए नहीं सुना है। आज के युग के जो लोग कथा सुनते हैं वो कथा को मनोरंजन की दृष्टि, चलो तीन घंटा कट जाए जैसे चले कुटी सरकार वाले महाराज जी आए कैसी कथा का, चलो तीन घंटा नहीं है सुनी आए, मतलब टाइम पास बना लिया आज के लोगों ने कथा को। और हम तो ऐसे लोगों से निवेदन करते फूटेश्वर महादेव से, जो व्यक्ति ऐसा भाव लेके कथा में आए सो वो घर से यहाँ आ ही ना पाए। सीधी बात है, जो कथा के लिए मनोरंजन की दृष्टि में आएगा और जिसे कथा से मुक्त होना है सो सबका सुस्वागतम सब आओ। और जिसने कथा में तर्क वितर्क किया तो उसको कभी वो माफ नहीं करते हैं। कौन? जो कथा सुनते हैं, जो कथा कहते हैं। मैंने कल भी कहा था, आज भी मैं यही कहता हूं, मैं कथा नहीं कहता हूं, हमें कथा नहीं आती है, मैंने कथा नहीं पढ़ी है, लेकिन जब मैं यहां बैठता हूं तो जाने कैसी चिप फंस जा सुबह आऊं लगन। इसका सीधा सा सिद्धांत ये है कि आप ही बुलवाते हैं, जब आपकी कथा में कोई तर्क वितर्क करेगा तो वो सजा कौन देंगे। आया समझ में? इधर धुंधकारी भगवान के धाम को गया गोकर्ण, धन्य है ऐसे भाइयों को, भैया हो तो गोकर्ण जैसा कि प्रेत को भी मुक्त कर दिया। और आजकल के भैया, भैया मर जाए, भैया की लुगाई मर जाए, भैया की भौजाई मर जाए, है अब दिमाग खराब, भैया की भौजाई मरे मतलब हमारी लुगाई, ये भगवान भौजाई ना मरे और शायद सब मर जाए, ये प्रभु की कृपा के अलावा कुछ नहीं होता है। कौआ कोसता रहता है, बुंदेलखंड में एक कहावत है कौआ के कोसे ढोर नहीं मरता है, ठीक है, अगर ढोर मरण लगे होते तो जी कुत्ता है ओल्डन में ना सहलाते। मुझे ये ज्ञात होता है कुत्तों के ऊपर खूब कृपा है ओल्डन में, न तो एक्सीडेंट में तो आदि सीताराम है, बहुत कुत्ता है, कल रात में कितना परेशान किया कुत्तों ने, ओल्डन के कुत्तों को भी खूब खूब आशीर्वाद। तारा है सारा जमाना नाथ हमको भी तारो, 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 हमको भी तारो नाथ हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना नाथ हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना
नाथ हमको भी तारो, हमको भी तारो नाथ। तुम्हें तो पैसा लेके जाने, ओ हमें कह तारो हमें भी दक्षिणा ले जाने, ओ इन्हें कह तारो इन्हें भी ले जाने, तुम्हें तारो जिया दे जाने। तारा है सारा जमाना, नाथ सबको भी तारो, तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, नाथ सबको तारो। और मम्मी को तारो नाथ, पापा को तारो मम्मी को ना, अरे मम्मी को तारो नाथ, पापा को तारो मम्मी को तारो नाथ, पापा को तारो। और सेठे खा तारो नाथ, सेठानी खा तारो सेठ जी को तारो नाथ, सेठानी को तारो, कथा का करके बहाना ओ नाथ हमको भी तारो। दादा को तारो नाथ, दादी को तारो। एक मिनट, बात सही है ना? अब सबरी को तारा बेरों का बहाना करके, मीरा को तारा पीड़ा का बहाना करके, द्रौपदी को तारा चीर का बहाना करके, इन्हन खा तो तारो जो हमें पता है, इन्हें तो सबने तारो, लेकिन कलयुगी जीव को तारो गाँव नहीं लगती। बाई हरे जिनके हम दासी बेही ना मिले, जब दासी हती तो कहा ढूंढ रहे, खराई में प्राप्त हो जाते, कह को ये फ्रॉड पना मचाए। लेकिन ये भाव है, शास्त्र कहता है जब भावना में भाव प्रकट होता है तो ईश्वर शीघ्र ही प्राप्त हो जाते हैं। भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, भावना में भाव है तो भाव से बेड़ा पार है। दादी को तारो नाथ, दादा को तारो, दादा को तारो नाथ, दादी को तारो, दादा को तारो नाथ, दादी को तारो, दादा को तारो नाथ, दादी को तारो, मम्मा को तारो नाथ, माई को तारो। सीधी सी बात, जब भागवत जी में आता है और मम्मा को भी तारा, देखो सुकनी को है ना, देखो दादा को परदादा, दादा परदादा प्रहलाद जी के, कौन दादा प्रहलाद जी के परदादा कौन, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु, दादा दादी हुए ना, माता पिता क्या नाम इसका, वो प्रहलाद जी के माता पिता है ना, हाँ यू से राइट। अब वो प्रसंग नहीं आया इसलिए उन्होंने मुझे नहीं, मुझे कहा है इनने नहीं कहा है, जब प्रसंग आएगा तब वो मुझे बताएंगे। हिरण्यकश्यपु को है ना, हिरण्यकश्यपु की क्या दशा हुई थी, पापा तरे मम्मी तरे मामा तरे कंस तरो नहीं तरो, कंस कौन है मम्मा, और कंस की पत्नी अस्थि प्राप्ति दो ही माई, दादा दादी हिरण्यकश्यपु, बोलूंगा जो मैं बोलूंगा बोलूंगा तो सास से ही। अब तुम्हारा तो जजे दादा दादी तारवे आ गए, आत्माई सोच की कह, दादा को तारो नाथ, दादी को